ये विशेष सूचना है एक जो 20 मई और 28 मई को MIRC के अंदर जो एग्जाम होने वाला उसके लिए। एक तो ये बात क्लियर कर देता हूं मैं कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि ये एग्जाम होगा या पोस्टपोन्ड होगा। तो पहली बात तो ये आप एक अच्छे से समझ लो कि ये जो एग्जाम है और जो एक एग्जाम पेंडिंग है आर्मी का, इसका और उसका बिल्कुल एक डिफरेंट वे है। ये ऑफलाइन फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो फॉर्म है और उनका फिक्स डेट दे दिया है यहाँ पे। अभी 20 मई को जो कुक है, सफाई वाले हैं, जिनका भी कॉल लेटर आया हुआ है, उनका एग्जाम होने वाला है 20 मई को। और जो बाकी बच्चे हैं, क्लर्क वाले हैं और कुछ एक आध पोस्ट का और है, वो 28 मई को होने वाला है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे आने वाले हैं, एक तो उनको एड्रेस के लिए आप चाहे रेलवे स्टेशन बाई ट्रेन आओ या बाई बस आओ, आपको चांदनी चौक पूछना है किसी भी ऑटो वाले से, चांदनी चौक पूछ के आप और MIRC के लिए आ सकते हो। दूसरा, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि ठहरने के लिए व्यवस्था क्या है, तो उनकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे रुकने की और खाने पीने की सब व्यवस्था की गई है। ये जो हमारा नंबर दिया गया है इस पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। आप अपना अगर कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप आने का हमें बता सकते हो। एक और बात ये कि टाइमिंग का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो टाइमिंग 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है। सभी बच्चे हैं जिनके पास में भी कॉल लेटर गया है वो 7 बजे पहुंच जाए। एक और इश्यू कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमने फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन हमारा कॉल लेटर नहीं आया है, तो क्या हम भर्ती अटेंड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। जिस भी कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड आया है, कॉल लेटर जिसको आया है, वही बच्चे हैं, एंट्री मिलेगी, बाकी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कुछ एक पॉइंट है। इनसे अलग आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी टाइप का आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपका रिप्लाई देंगे। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।